सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए प्रयाग बजाज आराज, यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं इस वाली पल्सर 125 एडिशन पे। और बेसिकली ये वाला स्प्लिट सीट एडिशन है, और क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इसमें अपडेट हुआ, ए टू जेड हम लोग सब बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को पल्सर सीरीज की कौन सी बाइक बेस्ट लगती है। तो चलो इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिनेमैटिक्स आप लोग को दिखाते हैं इसका, कुछ जो अभी हम लोगों ने लिया। और हाँ भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, थोड़ा सा समझ सकते हो सब्सक्राइबर रेट थोड़ा बढ़ाना है हम लोग को, 100 के हिट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो होपफुली आपको इसका सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह पसंद आया होगा इस वाली पल्सर 125 का। और भाई देखो ये वाला नियॉन आपका ऑरेंज टाइप के फिनिश में है, और स्प्लिट सीट है, तो इधर से तो लुक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि पल्सर 125 है। ये 150-180 जैसा आता था पल्सर, उस टाइप का आपको लुक दे दिया गया भाई रिगार्डिंग द सीट एंड बैक पोर्शन। बस आपको जो इंजन है 125 सीसी पे मिल रहा है, और इनफैक्ट अगर दूर से भी कोई देखेगा, जब तक वो 125 का लोगो नहीं देखेगा तब तक उसे समझ में नहीं आएगा कि आपका 150 सीसी पे है कि 180 सीसी पे है कि 125 सीसी पे है। बेसिकली जितनी छोटी बाइक्स है ना पल्सर की, वो सब रेप्लिका बन गई है भाई अपनी अपनी बड़ी बाइक की, तो ये भी अपना रेप्लिका बन चुका है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट आप देखोगे तो फ्रंट में आपको हेलोजन यूनिट हेडलैम्प सेटअप वगैरह मिल रहा है, और जो फेस है जैसा आपका पल्सर का आता है, मतलब कि पहले आप लोगों ने देखा होगा जब पल्सर स्टार्ट हुआ तो उसी टाइप का आपको फेस है। राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स आपके बल्ब में दिए गए हैं, टेलीस्कोपिक फोक्स आपको प्रोवाइड किया गया है फ्रंट में, और क्योंकि ये 125 सीसी है इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। और बेसिकली जो हायर सीसी है, मतलब इनफैक्ट 150 के ऊपर जितना सीसी है सब में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, लेकिन 125 सीसी के हिसाब से कॉम्बी ब्रेकिंग परफेक्ट वर्क करेगा, और इसलिए इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग वगैरह भी दिया हुआ है। और आपको कोई दिक्कत का मतलब दिक्कत उस टाइप का कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि उतना बड़ा इंजन नहीं है तो ब्रेकिंग्स वगैरह भी आराम से कंट्रोल होगा। बाकी आपको यूरो ग्रिप के टायर है, फ्रंट में डिस्क है, और बेसिकली ये वाला डिस्क सेगमेंट है आपका पल्सर 125 का। 80x100 का टायर है, 17 इंच का एलॉय है, कंप्लीट ब्लैक एलॉय आपको दिया हुआ है, और फ्रंट मडगार्ड देखोगे तो कंप्लीट ब्लैक कलर का फ्रंट मडगार्ड है। बाकी आपको इंडिकेटर्स ऑन करके दिखाते हैं, तो जैसा देखो इंडिकेटर्स वगैरह। तो ये तो हो गया भाई कंप्लीट फ्रंट का सेक्शन। आते हैं हैंडल सेक्शन पे, तो आपको देखोगे तो हैंडल जो आपको है कंप्लीट आपको स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा वी टाइप में आपको मिल रहा है। बाकी क्लच वगैरह हो गया, पास लाइट, हाई बिन लो बिन, राइट लेफ्ट इंडिकेटर हो गया, हॉर्न हो गया, और यहाँ पे किल स्विच एंड इग्निशन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बाकी मीटर वगैरह देखोगे तो मीटर में डीजी एनालॉग है, एनालॉग सेटअप में आपका RPM मीटर एंड डिजिटल सेटअप में आपको ये स्पीडोमीटर वगैरह दिया हुआ है। और अभी बेसिकली किल स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे देखो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। किल स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे देखो जीरो डिस्प्ले होगा, फिर इंजन लाइट हो गया, हाई बीन का लाइट हो गया, न्यूट्रल का लाइट हो गया, और राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स का लाइट हो गया। मीटर की बात करें तो मीटर में आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, ओडो वगैरह, स्पीडो वगैरह, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह, बस इतनी ऑप्शन है ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2। बाकी बात इसका जो हायर सीसी वाला है पल्सर, उस पर आपको एवरेज इंडिकेटर वगैरह भी दे दिए गए। मीटर की बात करें तो कार्बन फाइबर टाइप का टच आपको दिया हुआ है मीटर पे, और न्यूट्रल पे लाएंगे बाइक को तो देखो न्यूट्रल पे आ गई, तो N का लाइट। स्टार्ट करते हैं, बेसिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए, मेरे को पता नहीं इसमें फ्यूल है कि नहीं। चलो भाई स्टार्ट हो गया, बहुत ही लो वॉल्यूम पर स्टार्ट हुआ, और एक समझ जो ऑरेंज टाइप का लाइट आपको मीटर पर दिख रहा होगा। हाई बिन लो बिन दिखाते हैं, और एग्जॉस्ट नोट काफ़ी ज़्यादा पतला है, बहुत ही लो वॉल्यूम पर स्टार्ट हुआ था भाई बाइक। और RPM मीटर देखो, एक और बार आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, जैसा आवाज़ सुनो आप लोग, मतलब लो वॉल्यूम में स्टार्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा लो वॉल्यूम पर। तो भाई ये तो हो गया रिगार्डिंग द एग्जॉस्ट नोट वगैरह। टैंक पे आते हैं तो आपको 11.5 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी मिलता है, और टैंक कट्स भी नॉर्मल है, उतने ज़्यादा कुछ हाई फाई कट्स नहीं है। बस ये जो मोनोग्राम आप देख रहे हो पल्सर का, ये आपको 3D में एड ऑन किया गया आपका पल्सर 125 पे, तो ये बेसिकली एक न्यू एड ऑन है इस वाले मॉडल पे, 2022 मॉडल पे।
और एक छोटा सा टैंक पैड वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, हल्का ऑरेंज टाइप का फिनिश है एंड ब्लैक में, और यहाँ पे ऑरेंज टाइप का ग्राफिक वगैरह। और बाकी ये पोर्शन में देखो, आपको ये पोर्शन भी थोड़ा बहुत आपका ग्राफिक का यूज़ है। जैसे टैंक कैपेसिटी बताया हमने और 125 सीसी पे इंजन है, तो माइलेज वगैरह भी अराउंड कंपनी क्लेम करती है कि 45 प्लस आपको देगा। उसके बाद आपको इसमें सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इंजन की बात करें तो 125 सीसी पे इंजन है, 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लाइंट इंजन, सिंगल सिलेंडर। पावर की बात करें तो 11.8 PS का पावर एंड 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड किया गया। और जैसे मैंने बताया, सेल्फ और किक दोनों आपको मिल रहा है। नीचे में आपका इंजन काउल वगैरह हो गया, जो देखो ब्लैक एंड रेड का ग्राफिक थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। बाकी इसका हाइट वगैरह की बात करें तो सैडल हाइट अराउंड आपका 790 mm का सैडल हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 165 mm का, एंड 142 kg की बाइक है, बहुत ही लाइट वेट बाइक। और फुटपैक्स वगैरह जैसा देखो आप यहाँ पे, एंड इस साइड पे फुटपैक्स वगैरह, और साइड स्टैंड हो गया, मेन स्टैंड हो गया भाई, और साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर एक बार देखते हैं इसमें है कि नहीं है। ये बाइक हो गई स्टार्ट, साइड स्टैंड हो गया नीचे, फर्स्ट गियर लगाते हैं तो यस, इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी दिया गया है। 125 सीसी यार काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया, मैं बोलूँगा कि आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी मिल रहा है, तो अब कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आपका स्टैंड नीचे करके नहीं निकल पाएगा क्योंकि बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा। बाकी बात आपको रेयर सस्पेंशन की बात करो तो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको रेयर में दिया गया है, फुटपैक्स वगैरह रेयर के एडजस्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हो फोल्ड, मतलब ओपन एंड फोल्ड। बाकी यहाँ साड़ी गार्ड वगैरह दिया हुआ है आपको, और टेल सेक्शन तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको पल्सर 150 टाइप का लगता है इसका टेल सेक्शन। तो आपको टेल लाइट वगैरह भी दिखाते हैं भाई ऑन करके, जैसे इसका टेल लाइट वगैरह आप देखो, डिट्टो आपको पल्सर 150 पल्सर 180 टाइप का लग रहा है। और बाकी एग्जॉस्ट नोट तो आप लोगों ने सुना, कंप्लीट मैट ब्लैक सेटअप में आपका एग्जॉस्ट नोट है, और जो प्लेट्स वगैरह है वो भी आपका मैट ब्लैक में, और डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन, और यहाँ पे पल्सर 125 का लोगो वगैरह इस साइड पे एंड इस साइड पे। बाकी नीचे रेयर टायर की बात करें तो आपको रेयर में अराउंड 100/90 का टायर है, 17 inch का अलॉय, और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक है, बस सिंगल मतलब सिंगल डिस्क है, आगे में सिर्फ आपको डिस्क दिख रहा है, रेयर में डिस्क नहीं दिख रहा। चेन की बात करें तो चेन में एक कवर लगा हुआ है बेसिकली, जैसा आप लोग देखो। और चलो अब इसका प्राइस वगैरह पूछ के बताते हैं शोरूम में क्या प्राइस इसका पड़ेगा आपको प्रयाग बजाज गिरिडीह में। तो अब आते हैं प्राइस में, तो पहले बता देते हैं ये वीडियो शूट करें हम लोग प्रयाग बजाज गिरिडीह में, जो आपका प्रेजेंट है बड़ा चौक में, इनका सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। प्राइस की बात करें तो ऑन रोड आप लोग को ये वाला मॉडल का पड़ रहा है 1,02,685 रुपीज़, मतलब 1,02,685 रुपीज़। और बाकी बाइक ऐसा है उतना देखोगे तो, चेंजेस की बात करें तो पुराने वाले से बस आपको 3D लोगो दे दिया गया, और बाकी तो थोड़ा कलर वगैरह थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया गया व्हील वगैरह पे, मतलब कि आपको अलॉयज वगैरह पे थोड़ा बहुत गोल्डन का फिनिश दिखेगा, गोल्डन नहीं सॉरी ऑरेंज कलर टाइप का फिनिश दिखेगा आपका अलॉयज वगैरह में। बाकी 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी तगड़ा इसका माइलेज वगैरह है ही, और अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो आप लोग प्रयाग बजाज आ जाओ भाई, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को ये वाली बाइक कैसी लगी। और स्टार्टिंग रेंज अगर आप लोग को सिटी वगैरह ट्रैवल करना है, थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज चाहिए, सिटी में आपका बहुत ज़्यादा रन है, तब आप लोग ये वाली बाइक उठा सकते हो भाई, क्योंकि प्राइस वगैरह भी जितना मैंने बताया उसके हिसाब से 150-180 का बाइक जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। तो तो 125 का बाइक, 125 सीसी का बाइक आप लोग यूज़ कर सकते हो भाई, तो बेटर ऑप्शन रहेगा आपको सिटी वगैरह प्लेस पे, मार्केट वगैरह प्लेस पे, माइलेज बहुत ही अच्छा देगा। और एक और बात, लाइट वेट है तो इजी टू हैंडल है, अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो अपना बाइक्स वगैरह बाइकिंग करियर वगैरह तो आप लोग 125 सीसी पे ले सकते हो। तो चलो हम लोग वीडियो पे एंड करते हैं, होपफुली आपको इसका सारा रिव्यू वगैरह समझ में आया होगा, और ये वाली बाइक मैं बोलूँगा बेस्ट यूसेज है, जहाँ पे आप लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। चलो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और हाँ भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें 100K हिट करना है बहुत जल्द भाई। चलो थैंक यू।